फोर लेन की टनल का निर्माण कर रही प्रगति कंपनी के मजदूरों ने हड़ताल शुरू कर दी है। कंपनी के सभी मजदूर भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले एकजुट हुए हैं और सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मजदूरों ने प्रगति कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और कंपनी के खिलाफ रोष प्रकट किया। मजदूर यूनियन के सचिव घनश्याम ने बताया कि बीते दो महीने से कंपनी ने मजदूरों को उनका वेतन नहीं दिया है और ऐसे में मजदूरों का गुजार बसर करना मुश्किल हो गया है। उन्होंने बताया कि कंपनी के अधिकारी बार बार वेतन अदायगी को लेकर समय दे रहे हैं, पर उस समय पर भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक काम बंद रहेगा और हड़ताल व धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे। हम बार बार कंपनी से या कॉन्ट्रैक्टरों से जब मिलते हैं कि हमारे मजदूरों का वेतन आप कब देंगे, तो प्रगति कंपनी की तरफ से 25 तारीख को जो इनका HR रणजीत सिंह जी वो हमारे साथ बैठक में बैठे और उन्होंने बिल्कुल लिखित रूप में दिया कि आपका वेतन जो है 30 तारीख तक जो है हर वर्कर का वेतन अदा कर दिया जाएगा। हमने 30 तारीख को भी देखा कि किसी भी वर्कर का वेतन जो उनके खाते में नहीं आया। तो हमारा मेन जो लक्ष्य है कि हमारे मजदूरों का जो कि घर से इतनी दूर काम करने आए, लगभग 3 महीने से अपना जो चूल्हा नहीं जल रहा है उसको जलाने की कोशिश के लिए हमारे जिला से भी जो लोग आए हैं वो प्रयास करेंगे कि सभी मजदूरों का वेतन जो है वो अदा कर दिया जाए। धरना प्रदर्शन के बाद मजदूर यूनियन के 5 सदस्यों व कंपनी कर्मचारियों के बीच बैठक हुई, जिसमें मजदूर यूनियन ने वेतन देने बारे पूछा तो कंपनी के मैनेजर ने माना कि वेतन देरी से दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी तक जो कार्य हुआ है उसमें कंपनी ने अपना पैसा लगाया है जबकि एफकॉन कंपनी ने पेमेंट नहीं दी है। उन्होंने बताया कि जैसे ही पेमेंट मिलती है सभी को वेतन दे दिया जाएगा। अभी कम से कम 25-30 करोड़ रुपए का हमने इन्वेस्ट कर चुका है, इन्वेस्ट कर चुका है हमारा रिजर्व मनी जो भी है कर चुका है। अभी 15 करोड़ का बिल भी जमा किया हुआ है हमने। एक हफ्ता से आजकल करके हमको कमिटमेंट्स दे रहे, उसी हिसाब से आगे आप लोगों को कमिटमेंट्स हम कर रहे, इसी का वजह से वो पेमेंट्स नहीं आ रहे, इसका वजह से हमारा कमिटमेंट्स आपका सामने फेल हो रहा है। आपको बता दें कि प्रगति कंपनी ने मंडी जिला के तहत 4 टनल का निर्माण का जिम्मा लिया है। ये टनल पंडोह से आगे 4 लेन के लिए बनाई जा रही है, लेकिन कंपनी द्वारा समय पर मजदूरों को वेतन अदा न करने के चलते काम रुका हुआ है।